हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल ऑलवेज तो कैसे सब लोग आई होप इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एज हेल्थ इज इम्पोर्टेंट तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी जिंदगी में और राइट right. अगले कुछ वक्त तक किस तरह से होगा वाट विल बी डेफिनेटली अराइविंग विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम सो so, इस दौरान आपके लाइफ में क्या क्या घटनाएं हो सकती है आपको क्या क्या करना पड़ सकता है ताकि आप प्रॉपरली मैनिफेस्ट कर सके सो so, यूनिवर्स गाइड्स प्लीज गाइड करे कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके जिंदगी में ऑफकोर्स क्या आते हुए दिखाई देता है क्या होने वाला है यहाँ पे टू आया है बहुत क्लियरली यहाँ पे टू मेंशन है इट इज नॉट 11 यू uh, नो you know, 11 11 और लाइक दिट इज दैट इट इज क्लियरली टू तो हो सकता है कि इस रीडिंग को देखने का दो घंटा या दो दिन या दो हफ्ते में आपके साथ ठीक है कुछ ऐसा पॉजिटिव चेंजेस आए यहां पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि अगर आप अभी सोच रहे हो कि घर खरीदने का मतलब घर आप मकान जो है आप बनाना चाहते हैं ठीक है और आने वाले समय में हो सकता है कि आप बना भी देंगे बट उन सारे मजदूर लोगों को जो आपके मकान में ठीक है बनाने के लिए आपको हेल्प करेंगे मतलब वो आपका सपना एक हिसाब से तो पूरा कर रहे है आप बोल ही सकते हैं कि नहीं हम तो पेमेंट दे रहे हैं बट कहीं ना कहीं पे वो गरीब लोग हैं राइट अगर आप उनका थोड़ा मदद कर देते हैं सो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि आपकी जो है ना ये जो आशियाना होगा आपका वो पूरी तरह से महफूज रहेगा बहुत ज़्यादा दुआ आपको मिलेगी सो यू ट्राई टू हेल्प दोज पीपल ठीक है जो एकदम प्रिविलेज नहीं है उनका कोई सुख सुविधा नहीं है अगर आप उनको हेल्प कर सकें बिकॉज आई डू सी दैट इन द फ्यूचर इधर हो सकता है कि आप मजदूर लोगों के साथ जो है उनको कुछ काम में आप रखेंगे बट उससे भी ज़्यादा अगर आपको मौका मिले तो आप उनके लिए ज़रूर कुछ कीजिए यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है दैट यहाँ पे देखो समवन इज होल्डिंग लाइक यू नो अ बॉल इन हैंड दिस इज लाइक द पेज ऑफ पेंडिकल्स और यहाँ पे मुझे एक एम्प्रेस की एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पे एक गॉडज क्वीन यहाँ पे है सो विद द पेज ऑफ पेंडिकल्स और यहाँ पे है एम्प्रेस आई कैन जस्ट यू नो वाइब्रेशन कि यहाँ पे अगर अभी से कुछ लोग यहाँ पे इस तरह से मौजूद हैं जो व्यूअर्स है उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं कि अभी से आप ना अपने लाइफ का जो फाउंडेशन है वो बनाने की कोशिश कर रहे हो और आप बेसिक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो बहुत बढ़िया है आप इस तरह से प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस का पोजीशन मतलब क्या है ना चाहे आप अपने घर से भी ऑपरेट कर सकते हैं बिजनेस को या कोई भी लाइक यू नो फैशन डिजाइनिंग को स्क्रैच से स्टार्ट कर सकते हैं जो जनरली लोग उस चीज़ को जैसे होता है ना वेस्ट प्रोडक्ट से जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक यू नो एक जो है होता है प्लास्टिक बॉटल्स जो होते हैं कि आफ्टर लाइक यू नो कोल्ड ड्रिंक्स यूज कर दिया तो उसके ऊपर जो है पौधा रख देते हैं रिसाइकल्ड तो वहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कुछ ऐसा बिजनेस जो आप घर से आराम से ऑपरेट कर पाएंगे ओके एंड हो सकता है कि आप कंसल्टेशन फीस भी लेंगे कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है लाइक मे बी इन द अपकमिंग पीरियड ऑफ टाइम अगर आप फीमेल है तो आपके बच्चे होंगे ऑब्वियसली एंड डेफिनेटली यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि आप उनके उनको भी समय दे पाओगे अगर आप खुद मैरिड है तो आप समझ रहे हैं कि आप उनको भी समय दे पाएंगे आपके फैमिली के लिए भी आपके पास वक्त रहेगा एंड यू विल बी एबल टू मैनेज इट तो यहाँ पे मुझे परफ्यूम्स बिजनेस भी दिखता है कुछ लोगों के लिए कॉस्मेटिक्स हर्बल कॉस्मेटिक्स भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए यू you नो know, हर्बल प्रोडक्ट्स लाइक थेराब्यूटिक एनी थिंग इट कैन भी एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि लाइक विद द पेज ऑफ पेंडिकल्स कुछ लोग हो सकता है कि आपका अपकमिंग फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है एंड डेफिनेटली आई ऑल्सो फील आई इकोनॉमिक्स या फाइनेंस में आपका जो है बहुत ज़्यादा अगर स्ट्रेंथ है आप उसको लेकर स्टडीज कर सकते हैं इन द फ्यूचर यू आर गोइंग टू गेट गुड रिटर्न अगर आप अभी से इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं बढ़िया बात है आप अभी से अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे इन द राइट स्कीम सो so, वो आपको बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल उस मतलब उस हिसाब से देखा जाए वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा और क्योंकि एट यंग एज अगर आप स्टार्ट कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा रेट ऑफ़ रिटर्न उससे किस तरह से इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है बिकॉज इन्वेस्टिंग इज ऑल्सो नॉट यू नो इट्स वेरी इजी उसके लिए भी स्ट्रॉन्ग डिसीजन्स लेने पड़ते हैं उसके लिए भी समझना पड़ता है ठीक है उसके भी लूप होल्स लूप होल्स होते हैं सॉरी उसके भी फ्लॉज होते हैं उसके भी डिफेक्ट होते हैं उस तरह से मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों दिख रहा है बहुत ज़्यादा पीलर ठीक है खंभा दिख रहा है यहाँ पे मुझे कुछ लोगो दिख रहा है यहाँ पे टाइगर का लोगो दिख रहा है आई डोंट नो वट यू नो हो सकता है कुछ और ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे टाइगर लोगो हो आप वहाँ पे काम करो या टाइगर जो होता है माँ देवी जो है कहीं ना कहीं पर अम्बे माता का जो है वाहन होती है तो ये इट सिम्बोलाइज द स्ट्रेंथ मैं तो अब जब मैं स्केच ड्रॉ करती हूँ आपको मैं दिखाती हूँ और मैं आपको समझा भी देती हूँ कि उस पर्टिकुलर एनिमल का मतलब क्या है तो शायद अगर आपने नहीं देखा आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइगर का मतलब इस तरह से हो सकता है कि अभी भी आपके आपके अंदर सब कुछ होते हुए भी यू लैक द करेज एंड द स्ट्रेंथ आप अभी भी लोगों को फेस नहीं कर पा रहे हैं या आप डर रहे हैं आपको लग रहा है कि कंसिक्वेंस का रिजल्ट अच्छा नहीं होगा लोग क्या बुरा मान जाएंगे सोसाइटी वाले क्या कहेंगे लेकिन अगर आपने अपने लिए लड़ना नहीं सीखा है सो इन द फ्यूचर यू आर नॉट एबल टू गिव दम प्रॉपर रिस्पॉन्स ठीक है कुछ लोगों के लिए फिर वो आपके साथ ज्यादा भी कर सकते हैं यहाँ पे देखो एम्प्रेस मैंने आपको कहा था और आज अभी इस वक्त जो एक पिक्चर यहाँ पे नजर में आ रहा है यहाँ पे एक फिश है और यहाँ पे एक राजा जैसे यहाँ पे बैठे हुए हैं सो so, मुझे यहाँ पे क्लियरली नजर में आ रहा है दिस इज लाइक द किंग ऑफ कप्स सो किंग ऑफ कप्स का एनर्जी बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव का ही एक रिस्पॉन्स देता है जहाँ पे आप ऐसे इंसान से मिल सकते हैं या आप ऐसे इंसान बनेंगे जिनके अंदर ठीक है लॉजिक एंड इमोशंस पूरी मात्रा में हो और हो सकता है कि अगर आप इस तरह के पार्टनर देख रहे हैं तो आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा आपके लिए ट्रू सोल कंपेनियन हो आपके सही जीवन साथी निकले और कहीं ना कहीं पर हो सकता है कि वो एजेड है मेच्योर्ड है लेकिन उनमें कम रोमांटिक तो नहीं वो बिल्कुल नहीं होंगे रोमांटिक बहुत ज़्यादा होंगे एंड अलोंग विद डेट दे विल ट्राई टू बैलेंस योर इमोशन ऑल्सो और वो काफ़ी ज़्यादा है मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं कि हो सकता है ये कोई ऐसा फील्ड में हो जहाँ पे उनका जो है सक्सेस इसलिए हुआ क्योंकि वो कभी भी अपना टेम्पर लूज़ नहीं किए तो चलो हम देख लेते हैं कैसा बाशि स्कॉर्पियो टॉरस वगो यहाँ पे दिखा था मुझे एनी वे साइंस तो मैटर नहीं करता है फिर भी हो सकता है कि आप में या आपके जो है पार्टनर में हो सकता है वो सारे साइंस बहुत प्रोमिनेंट हो तो लेट्स सी लेट्स फाइंड आउट आज सूरज जो है देव हमारे साथ है और उनके वजह से ये हुआ ऑब्वियसली यू शुड ऑलवेज पे ग्रेटिट्यूड टू सन हर दिन कोई भी भगवान आपके मज़हब में ठीक है अगर आपको लगे कि हमें करना है ग्रैटिट्यूड तो कमेंट सेक्शन पर ज़रूर लिखे कमेंट सेक्शन पर लिख सकते हैं किसी की भगवान का नाम लेके और आप मन ही मन में भी बोल सकते हैं ठीक है और ज़रूर लिखिएगा ये so, सो क्या आते हुए नज़र में आ रहा है आई टोल्ड यू दैट यू आर गोइंग टू हैव ओके वेरी फ्रेंडली रिलेशनशिप वेरी लाइव कनेक्शन ठीक है आपके पार्टनर के साथ अभी आपका हो सकता है कि लोनली लगे और वो इंसान थोड़ा बहुत इधर उधर जाएंगे ना तो भी आपको ऐसा लगेगा मैं कहाँ पर पहुँच गई मैं कहाँ पर पहुँच गया ये तो मेरे साथ बिल्कुल होना चाहिए तो आपको उनकी एबसेंस बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे मतलब क्या है ना आपको उनसे इतना लगाव हो जाएगा अच्छा यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है दैट यू आर गोइंग टू हैव अ वेरी एडवेंचरस ट्रिप रू यू नो रूट काफ़ी एडवेंचरस हो सकता है रूट आर ओ यू टी दैट इज़ डिस्टेंस हो सकता है कि आप कोई जगह पे ऐसा ट्रैवल करें जहाँ पे भर भर के चैलेंजिंग एंड यू नो यू नो वेरी मच यू नो एडवेंचरस ट्रैवल एक्टिविटीज़ हो जहाँ पर बोला जाता है कि नेचर में भी कहीं ना कहीं पर चैलेंजिंग एक्टिविटीज आते ही है माउंटेनियरिंग में होता है ओके एंड आई कैन ऑल्सो सी लाइक यू नो उस एडवेंचर में जाने के बाद या कोई ऐसा तीर्थ यात्रा या कुछ ऐसे जाने के बाद आपका माइंड चेंज हो जाएगा जो आप पहले सोचा करते थे वैसा आप नहीं करेंगे एंड डेफिनेटली आई कैन सी लाइक यू नो अगर आपके अंदर वो आर्टिस्टिक uh, टैलेंट तो बहुत खूब दिख रहा है शायद अभी भी आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो कुछ लोग बोलते नहीं मैं तो कभी भी सिलाई नहीं सीख सकती मैं तो कभी हो ही नहीं सकता कि मैं ब्रश अपने हाथ में ले लूँ आप प्रैक्टिस करके देखिए ट्राई करके देखिए ऐसा कोई एक्टिविटी जो आपको बुला लगे कि नहीं मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ अगर मैं थोड़ा बहुत ट्राई तो करूँ तो वो देखें ना कि उसमें ही आपका सबसे ज़्यादा जो है अट्रैक्शन होगा बहुत सारे क्रिकेटर्स ऐसे हुए थे जो पहले फुटबॉलर्स थे या आर्टिस्ट थे आप अगर देखते हैं बैकग्राउंड सो इट इज़ नॉट लाइक दैट कि जो ऑक्यूपेशन है आपका प्रोफेशन है आपको उसी में सक्सेस मिलता है आपको उसमें सक्सेस मिल सकता है जहाँ जो आपके एक हॉबी है जो आपके लिए एक कहीं ना कहीं पर पैशन रहा है सो इट कैन बी लाइक दैट अपार्ट फ्रॉम स्लीपिंग ओके अगेन स्लीपिंग इज ऑल्सो टाइप ऑफ मेडिटेशन बट स्टिल यहाँ पर मुझे इस तरह से दिख रहा है कि यू you नो know, जब भी चीज़ का नाम आता है तो इधर तो हमारे स्माइल जो है वो बढ़ जाता है या कहीं ना कहीं पे वो बहुत ज़्यादा पोषण देता है राइट इट 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 शुड बी टेकन बिकॉज इट इज़ वेरी गुड फॉर द बोन्टिथ सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ऐसा रिलेशनशिप जो आपके लिए हेल्दी रहेगा अनहेल्दी नहीं ठीक है ओके एंड यू कैन बी अ वेरी गुड एंटरटेनर ऑल्सो सो विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ऐसा हो सकता है कि आपके घर में ठीक है हो सकता है कि कुछ ऑर्गेनाइज आप करें या किसी के घर में हो सकता है कि आप जाए और वहाँ पे कुछ फन एक्टिविटीज़ हो उस तरह से दिखता है सो दिस इज़ ऑल अबाउट अ रीडिंग ओके आई होप यू लाइक इट एंड इफ यू लाइक प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू सो मच फॉर बींग विद मी लव य लॉट टेक केयर ऑफ़ सेल्फ एंड बाय